한 번을 기대하겠습니다. 굿모닝! 아, 늘리기 한 번만 이거 봤다 나게. 그러나 로케이션이 뒤에 दिल्ली का रहने वाला हूँ. 1998 में ये बिजनेस शुरू किया था, लेटर मार्केटिंग में आया था. उससे पहले मेरा स्टेशनरी की मेरी अपनी दुकान थी. पढ़ा लिखा कम था, टेंथ तक किसी तरीके से पास हुआ, टेंथ में दोबारा फेल हो गया, पढ़ाई छोड़ दी, पापा ने दुकान पे बिठा दिया. 1998 में जिला सर ने फोन किया और नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर कराया. और जब पहली बार इस बिजनेस को सुना तो यहाँ पर एक बात बोली हुई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी. कहा गया था ये बिजनेस नकल मारने का है. मैंने कहा उसमें तो मैं उस्ताद हूँ. तो ये बिजनेस बना ही मेरे लिए इसका मतलब, क्योंकि इंडियंस होते हैं नकल मारने में उस्ताद. तो मैंने इस बिजनेस को सिर्फ ये बताया जैसे मुझे सिद्धार्थ सर ने बताया, मेरे अपलाइन ने बताया, मैंने इसको वैसे वैसे फॉलो किया. उन्होंने मुझे दिन में बोला कि ये रात है, मैंने रात बोला. उन्होंने रात को बोला ये दिन है, मैंने दिन बोला. अपना लॉजिक नहीं लगाया, दिमाग नहीं लगाया, और जैसे जैसे उन्होंने बोला मैं काम करता गया. 10 साल मैंने कंपनी में काम किया, थोड़ी बहुत सफलता मिली. हाईएस्ट चेक 52,000 रुपये गया, कार ली, इंडिया टुडे मैगजीन ने कवर किया, थोड़ी बहुत सफलता मिली. बट मैनेजमेंट का बहुत अच्छा विजन नहीं होने के कारण उस बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ गई और 2008 तक आते थे मैं कर्जे में आ गया. और मैं बिल्कुल कर्जे में वेस्टी ज्वाइन किया. 2008 में सिद्धार्थ सर ने बोला कि शायद ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है, चलो दूसरे प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं. और हमने देखा वेस्टीज को. वेस्टीज का जब प्लान देख रहा था तो वहां पर बातें हो रही थी लाखों रुपए की, यहाँ बिजनेस करो लाखों रुपए कमा सकते हो. इसे आपने बहुत लोगों को देखा. मेरे अंदर से आवाज आ रही थी क्योंकि मैं इतना टूट चुका था अपनी लाइफ में कि जब मैं वेस्टीज में आया तो मैं ये सोच के आया कि ये बात तो कर रहे हैं लाखों रुपए की, मुझे तो अगर 20,000 रुपए भी आ जाए ना तो मेरा काम ठीक ठाक चल जाए, सांस ले सकूं ताकि. मैं ये सोच के साथ आया था और यही सबसे बड़ी मेरी कमी थी. मैं पहले साल सिल्वर डायरेक्टर था, मेरी इनकम 12-13,000 रुपए थी. दूसरे साल भी सिल्वर डायरेक्टर था, इनकम 12-13,000. तीसरे और चौथे साल तक भी मैं सिल्वर डायरेक्टर से ऊपर नहीं बढ़ पाया और मेरी इनकम 12-13,000 रुपए थी. मेरे साथ के बहुत लोग लाखों रुपए पहुंच गए थे, मैं 12-13,000 रुपए अटका हुआ था. मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं. मैं मेहनत भी करता हूं, काम भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरे बाकी लोग सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं वहीं का वहीं अटका हुआ हूं. मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे अंदर कमी क्या है. एक दिन ऐसी सेमिनार में सिद्धार्थ सर ने 2011 में सेमिनार शुरू किए, मई 2011 से. और जैसे मैंने सेमिनार में आना शुरू किया लगातार, तो यहाँ पर मुझे बताया गया और मुझे समझ में आया कि जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं आप बड़ा पा नहीं सकते. मैंने बड़ा सोचना शुरू किया. मैंने 1,00,000 की इनकम के बारे में सोचना शुरू किया दिल से. वो टाइम में 1,00,000 में तो नहीं पहुंच पाया वो साल, पर मैं 71,000 पे पहुंच गया. सो मेरे को उस दिन पैसा कमाने की साइंस समझ में आ गई कि पैसा कमाने के लिए मेहनत ज्यादा नहीं करनी होती, बट सिस्टमैटिक तरीके से और सही सोच के साथ आप पैसा कमा सकते हैं. तो मैंने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा. पिछले जो हाईएस्ट मेरा चेक गया वो गया 9,77,000 रुपए. जब मैं वेस्टीज में आया था तो मैं पैदल आया था. मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मैं पैदल आया करता था मीटिंग सेमिनार में. मैंने पहली गाड़ी ली थी, वैगनर ली थी, बहुत मुश्किल से ली थी, 1,50,000 रुपए की सेकेंड हैंड. दूसरी गाड़ी ली थी मैंने 8,00,000 रुपए की स्विफ्ट डिजायर, कैश डाउन ली थी बिकॉज बैंक ने लोन नहीं किया था, क्योंकि पिछली कंपनी में कर्जे में आ गया था, क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गए थे, सिविल में नाम आ गया था. तीसरी गाड़ी ऑडी Q3 42,00,000 रुपए की, जिसको 3 साल से चला रहा हूँ. और आज गर्व से कहता हूँ जो इंसान पैदल आया था इस बिजनेस में और आज अपनी ऑडी चला रहा है, मैं ही नहीं, आज मैं 4 लोगों की हेल्प कर पाया उनको ऐसी गाड़ी बदली जितनी गाड़ी दिलवाने के लिए. फॉरन ट्रिप आप सब जान चुके हैं. अभी जर्मनी में थे, स्पेन में थे, 1 महीने के लिए अपना ड्रीम पूरा किया मैंने. 1 महीने के लिए फैमिली के साथ US घूम के आया. अभी फिर इस साल जा रहा हूँ 1 महीने के लिए फैमिली के साथ. अभी कंपनी का ट्रिप भी जा रहा है, उसमें बहुत सारी टीम भी आ रही है. सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 बातें कहना चाहूँगा. इस बिजनेस में सब कुछ है, 2 चीज़ें आपको ख्याल रखना पड़ेगा. लगातार ऐसे सेमिनार में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा. ये बिजनेस है पेशेंस का. यहाँ लाखों रुपए, 5,00,000, 10,00,000 जरूर है, पर एक दिन में नहीं है. उसके लिए आपको 1-2-3 साल का वेट करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा. अगर आप लगातार काम करोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको वहां से यहाँ आने से रोक सके. तो ये था मेरा पार्ट, जो मेरा लेवल था 5-10 लाख के बीच में. अब आइए चलते हैं अगले लेवल के ऊपर. और अगले इंसान को बनाने से पहले एक्चुअली में वो लेवल से परे है, चाहे वो हाईएस्ट लेवल हो, चाहे वो एम्बेसडर हो, चाहे वो इनकम वाइज हो, वो लेवल से परे हैं. क्योंकि आज उन्होंने अपनी एजुकेशन से, जो आप ग्रॉस का देख रहे हैं, अपनी एजुकेशन से इतने लोगों की जिंदगी में, जितने भी आज आपने लोग देखे, सिर्फ यही नहीं पूरे भारत में उन्होंने इतने लोगों को चेंज किया है, लाइफ को चेंज किया है, कि अगर उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए, जितना मैं बोलूँ
उतना कम है, सिर्फ उनको नाम से सम्मानित करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे हमारे मेंटर, हमारे गुरु, जोरदार तालियां मिस्टर सिद्धार्थ दोस्तों। इससे पहले मैं कुछ आपको बताना शुरू करूं। आप देखिए क्रॉस ग्लोबल रूट्स ऑफ सक्सेस, और मैंने टैगलाइन इसकी बनाई थी डेवलपिंग पीपल ब्रिंगिंग स्माइल, यानी हम लोगों को डेवलप करें ताकि उनके चेहरे पर और जिंदगी में खुशी आ सके। वेस्टीज में बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई बार लोगों को पता नहीं होता सेल टैक्स या टैक्सेशन की वजह से। अभी कुछ लोगों को नोटिस गए, तो जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा ये संदेश है मेरा कि जो भी जीएसटी या सर्विस टैक्स का मैटर है उसके लिए हमारे मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं